चीनी माफिया भी सरगर्म। चीनी की कीमत में अजखुद इजाफा कर दिया गया। सरकारी निर्ख से 5 रुपये फी किलो इजाफा के साथ चीनी फरोख्त होने लगी। चीनी की नई कीमत 60 रुपये फी किलो तक जा पहुंची है। एलपीजी और सीएनजी माफिया के बाद अब चीनी माफिया भी सरगर्म है। चीनी की कीमत में अजखुद इजाफा कर दिया गया है। सरकारी निर्ख से 5 रुपये फी किलो इजाफे के साथ चीनी फरोख्त होने लगी। चीनी की नई कीमत 60 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। शहरियों की जानिब से तहफ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और परेशानी का भी इजहार किया जा रहा है। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात बताएंगे अब्दुल कादिर मदनी। जी अब्दुल कादिर मदनी बताइएगा। अब्दुल कादिर मदनी से भी तफ़सीलात जानेंगे। आपको बताएं कि चीनी माफिया सरगर्म है। चीनी की कीमत में अजखुद इजाफा कर दिया गया है। सरकारी निर्ख से 5 रुपये किलो इजाफे के साथ फरोख्त होने लगी है। चीनी की नई कीमत 60 रुपये फी किलो तक जा पहुंची। चीनी माफिया सरगर्म है। चीनी की कीमत में अजखुद इजाफा कर दिया गया है। इसी हवाले से तफसीला जानते हैं अब्दुल कादिर मदनी से। अब्दुल कादिर मदनी सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस अजखुद इजाफे के हवाले से। महंगाई के सताई आवाम पर जो है चीनी माफिया ने जो है वो एक और महंगाई का बम गिरा दिया और चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके चीनी के नरखों में जो है वो खुद इजाफा कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर के रेट से 5 रुपये फी किलो जो है वो इजाफे में चीनी फरोख की जा रही है। सरकारी रेट के मुताबिक चीनी 55 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है जबकि ओपन मार्केट में फरोख जो है वो 60 रुपये फी किलो जो हो रही है। और इस हवाले से चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके ना सिर्फ होलसेल मार्केट में चीनी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया बल्कि परचून मार्केट में भी चीनी की जो कीमत है उसमें इजाफा कर दिया गया है। चीनी का सरकारी होलसेल में जो है वो 53 रुपये फी किलो है जबकि 57 रुपये फी किलो होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत कर दी गई है जबकि परचून रेट जो है वो 55 रुपये फी किलो है लेकिन शहरियों को जो है वो 60 रुपये फी किलो चीनी फराहम की जा रही है। और ये तमाम अवामिल जो है वो मसनूई किल्लत पैदा करके चीनी के नरखों में इजाफा किया गया है। जी चीनी के नरखों में अजखुद इजाफा कर दिया गया है। शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी, आपने आगाह किया।